आप इस बिजनेस को जरूर स्टार्ट कर लें, क्योंकि इस बिजनेस में प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है और लोगों का भीड़ इतना ज़्यादा रहता है कि कस्टमर संभालना मुश्किल होता है। 10 ऐसे बिजनेस जिसे कोई भी आम आदमी स्टार्ट कर सकता है, और जो कोई भी इन 10 में से कोई एक बिजनेस को स्टार्ट करता है वह हर दिन के 2 से 5 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेता है। तो अगर आपको भी कोई ऐसे बिजनेस की तलाश है जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकें और आपको इसको आसानी से स्टार्ट कर सकें, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना लगे, बहुत बड़ा दुकान ना लेना पड़े, कोई गोदाम ना लेना पड़े, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं, आसानी से जिसको आप शुरू कर सकते हैं, ऐसे बिजनेस की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं टोटल आपको 10 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें से कोई भी आप एक चूज़ करके स्टार्ट कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आपको जिसमें रुचि हो उसी बिजनेस को स्टार्ट करिएगा, उसमें आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाइएगा और ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल कंटेंट्स आपको देखने को मिलता रहता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आम आदमी की बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि थोड़े से कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो जाते हैं और अपने ही शहर में वो शुरू करते हैं, ठीक है, बाहर के मार्केट को वो कैप्चर नहीं करने के बारे में सोचते हैं। तो कौन कौन से बिजनेस है आइए जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला बिजनेस है पानी पूरी का। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आसपास में अपने शहरों में जब आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर पानी पूरी का स्टॉल में कितना ज़्यादा भीड़ रहता है, और कई सारे पानी पूरी के स्टॉल भी रहते हैं, लेकिन जितना भी ज़्यादा रहता है सारे बहुत अच्छे खासे चलते हैं और दिन का 2 से 5 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेते हैं। अब ये पानी पूरी का स्टॉल आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, बस आपको एक स्टॉल लेना पड़ेगा, उसके बाद आप इस बिजनेस में आ सकते हैं और ज़रूरी थोड़ी बहुत आप लाइसेंस ले सकते हैं, जैसे कि फूड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने नगर निगम से आपको NOC लेना होगा। तो ये चीज़ आप लेने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को। नेक्स्ट है फल का बिजनेस। अब बहुत सारे पूजा त्यौहार भारत में आते रहते हैं तो इसमें क्या होता है कि फल का जो बिक्री होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और लोगों को सेहतमंद रहने के लिए भी फल की आवश्यकता होती है, डेली सेवन करते हैं वो। तो अगर आप भारत में हैं और फल का बिजनेस करते हैं तो इसमें आपका 2 से 5 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाएगा डेली का इनकम। तो अपने मार्केट में आप एक छोटा सा दुकान ले सकते हैं और उस छोटे से दुकान में आप फल बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस है दोस्तों जिनका भी इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा कम है वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, एक यहाँ पर और भी है, जैसे कि बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि रास्ते में एक कोई ठेला वगैरह में लेके फल कट करके बेचते हैं, यानी कि जैसे तरबूज का सीजन में वो तरबूज बेचने लगे और अनारस के सीजन में वो अनारस बेच रहे हैं काट के, उसके बाद इसी तरह करके 10 रुपये 20 रुपये प्लेट वो बेचते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप भी ये काम कर सकते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है, ठीक है। मतलब कि आप मान लीजिए एक तरबूज खरीद के लाएँ 20 रुपये में, तो उससे आप 50 रुपये तक आसानी से निकाल सकते हैं, इतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और उसमें सिर्फ आपको काला नमक देना होता है और कट करके बस उसको लोगों को देना होता है। तो बस छोटा सा बिजनेस है, अगर आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बिजनेस है, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में एक स्टैंडर्ड बिजनेस चाहते हैं तो यहाँ पर आइसक्रीम का बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे आइसक्रीम के आपको ट्राईसाइकिल मिल जाएंगे जिसमें आप आइसक्रीम का बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर छोटी मोटी आप अपना दुकान भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा चलता है क्योंकि आइसक्रीम अब सर्दी गर्मी ठंड हमेशा खाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप आइसक्रीम बेचने का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस है वेजिटेबल का बिजनेस। अब जैसे कि डेली लोगों के घर में सब्जियां तो बनती ही रहती हैं तो सब्जियां बिकता भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल और 12 महीने चलने वाला बिजनेस चाहिए तो आप सब्जी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा, एक छोटा सा बस आपको दुकान लेना होगा, बस और कुछ रुपए लगा के आपको सब्जियां खरीदना होगा, बस उसके बाद से आपका दुकान चलना स्टार्ट और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी हैं इस बिजनेस में। नेक्स्ट है मोमोज का स्टॉल। अब बहुत सारे आपने मोमोज का स्टॉल तो मार्केट में देखे होंगे तो वो कस्टमरों की मांग को पूरा नहीं कर पाते, यानी कि बहुत ज़्यादा बिकता है और इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि वो कस्टमर को संभाल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि खुद का आप भी मोमो का स्टॉल स्टार्ट कर सकते हैं कहीं ऐसे लोकेशन पर जहाँ पर ज़्यादा लोग घूमने जाते हो, मार्केट हो गया, चाहे कोई पार्क हो गया, कोई सिनेमा हॉल हो गया, ऐसे कोई जगह में आप चाहें तो इस बिजनेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस है ब्रेकफास्ट शॉप, यानी कि नाश्ते की दुकान। आप चाहें तो नाश्ते की कोई भी दुकान स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि उसमें आप छोले भटूरे बेच सकते हैं, उसमें आप समोसा कचौरी ये सब भी बेच सकते हैं, आपके एरिया में जो चलते हैं उस प्रकार का आप वहाँ पर खाना बेच सकते हैं नाश्ते के लिए, ठीक है। और नाश्ते का दुकान भी काफ़ी ज़्यादा चलता है, लोग हड़बड़ी में घर से निकल आते हैं, बाद में भूख लगता है तो फिर वो नाश्ते की दुकान में रुक कर नाश्ता करते हैं। तो आपके इधर जो भी कुछ ऐसे चीज़ें चलती हैं नाश्ते में उस तरह का आप कुछ भी नाश्ते की दुकान में बेच सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस है जूस शॉप।
अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हेल्दी रहने के लिए जूस का सेवन करते हैं। अब आप चाहें तो जूस का दुकान भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अलग अलग फलों के जूस निकाल कर और बेचें। इसमें कुछ कुछ सब्जियों के भी जूस आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग हेल्दी रहने के लिए सब्जियों के भी जूस पीते हैं। आप चाहें तो इस चीज़ का भी बिजनेस कर सकते हैं। ये भी आपका काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको एक जूसर मशीन लेना होगा और थोड़े बहुत आपको फल रखने होंगे और एक छोटी सी आपको दुकान लेनी होगी। बस इसके बाद आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकल फूड स्टॉल। अब यहाँ पर आपके उधर कोई भी चीज़ फेमस है उसका आप फूड स्टॉल लगा सकते हैं। आप चाहें तो ये रेलवे स्टेशन में भी लगा सकते हैं या फिर आप अपने मार्केट में भी लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन में चलेगा, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, बाहर के यात्री आते हैं, तो वो ट्राई करते हैं अलग अलग जगहों का खाना। तो आप चाहें तो कोई ऐसा फूड स्टॉल लगा सकते हैं स्टेशन में जो कि आपके उधर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत जगहों में अलग अलग चीज़ें फेमस होती है। नेक्स्ट बिजनेस है दोस्तों सदाबहार बिजनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं चाय का बिजनेस। यह बिजनेस ऐसा है कि जीवन काल तक ये चलता रहेगा और कभी बंद नहीं होने वाला है। इसको मैंने एंड में रखा इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो अगर आपके उधर थोड़ा कम चाय की दुकान है तो आप इस बिजनेस को जरूर स्टार्ट कर लें, क्योंकि इस बिजनेस में प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है और लोगों का भीड़ इतना ज़्यादा रहता है कि कस्टमर संभालना मुश्किल होता है। और यह बिजनेस 12 महीने आपका चलने वाला है। ठीक है, एवरग्रीन बिजनेस है ये। अगर देखें तो सारे बिजनेस जो है एवरग्रीन बिजनेस है, हमेशा आपका चलेगा, कभी बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इन बिजनेस में प्रॉफिट है, भले आपका इन्वेस्टमेंट कम लगे लेकिन कमाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो और भी दोस्तों तक आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन तक भी सही जानकारी पहुंचे। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो या फिर किसी और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।